तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि देख सकते हो, हम आए हुए फिर से अपने गांव के जंगल में। आज आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पे करील कैसे निकाला जाता है। जैसे कि देख सकते हो, ये बांस का बम्बू का पेड़ है, लेकिन हम यहां से नहीं निकालेंगे, जंगल के अंदर से निकालेंगे। तो चलो बिना देरी के हम लोग जंगल के अंदर तरफ चलते हैं। तो देख सकते हो गाड़ी मोटर भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस, हम जंगल में घुस चुके हैं जैसे कि देख सकते हो अपने रोड से। तो चलो बिना देरी के हम लोग बम्बू के पेड़ के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि करील कैसे निकाला जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दोस्तों वहां पे। जैसे कि देख सकते हो मेरे फ्रेंड लोग घुस चुके हैं जंगल के अंदर जहां बम्बू का पेड़ है। तो चलो आपको दिखाता हूँ बांस के में करील कैसे निकाला जाता है। जैसे कि देख सकते हो इधर से, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, एक निकाल चुका है मेरा फ्रेंड। तो चलो हम लोग दूसरा भी ढूंढते हैं। देखते हो ऐसे झाड़ियों में खोजना पड़ता है उसको, और अंधेरा भी बहुत दिख रहा है आपको, शायद दिखे या ना दिखे। जैसे कि देख सकते हो इधर भी तोड़ रहे हैं, तो हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। देखो मेरे फ्रेंड लोग तोड़ रहे हैं यहाँ से, और उनके हाथ में भी है देखो। और इसका रेसिपी कैसे बनाते हैं, इसका पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो ये बम्बू का पेड़ है, इसी से करील निकाला जाता है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, देख सकते हो, और कैसा दिखता है उसको भी दिखाता हूँ। रुक जाओ, आपको यहाँ बहुत घना अंधेरा भी है देख सकते हो। अब इसको ढूंढना पड़ेगा हमको, और आपको दिखाता हूँ कि ये जमीन के अंदर से कैसे निकलता है। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा अपने को, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि सब लोग तोड़ के ले जाते हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड के पीछे पीछे जा रहा हूँ, देख सकते हो मैं, और बादल भी बहुत ज्यादा गरज हो रहा है, बारिश होने वाला है शायद मेरे ख्याल से, लेकिन एक भी अपने को करील दिख नहीं रहा है। करील तो दिख नहीं रहा है, क्या करेंगे, चलो ढूंढते हैं आगे। तो दोस्तों अपने को करील मिल चुका है, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे है, ये वाला है, ये जो देख रहा है, देख रहे हो ये वाला करील है दोस्तों, ऐसे ही निकलता है। तो इसे हम तोड़ते हैं, चलो जल्दी से। जैसे कि देख सकते हो हाथ से ऐसे तोड़ना पड़ता है इसको, देख सकते हो ऐसे दिखता है। तो हमने तोड़ लिया है इसे, अब आगे और देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। तो इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस बहुत झुक कर चलना पड़ रहा है, जैसे कि देख सकते हो पूरा घुस घुस कर तोड़ना पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ तो दिख भी नहीं रहा है। जैसे कि देख सकते हो पूरा बम्बू का ही पेड़ है सारे चारों तरफ, अपने को दिख भी नहीं रहा है। तो इधर ढूंढने दो अपने को। तो हमको और एक मिल चुका है, जैसे कि देख सकते हो इधर छिपा हुआ है ये वाला, लेकिन तोड़ने में बहुत ही देख सकते हो निकल इधर है, लेकिन फंसा हुआ है पूरी तरह से, तो तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो हम तोड़ लिए हैं इसको। तो मेरा फ्रेंड भी एक देख चुका है, देख सकते हो इधर, और तोड़ने वाला है, और तोड़ चुका है इधर। तो देख सकते हो चारों तरफ अपने बंदे हैं, सब लोग गड्ढी खोज रहे हैं, मतलब करील का स्वाद लेने के लिए। इधर भी एक है देख सकते हो, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो हम लोग इसको भी तोड़ लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखते हैं इधर, इधर भी एक छोटा सा है देख सकते हो ये वाला। इसका रेसिपी हमने पहले ही अपलोड कर दिया है दोस्तों, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। इधर भी एक है लेकिन छोटा छोटा है, उनको रहने देते हैं। तो गाइस इधर भी दिख रहा है छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं है, इधर देख सकते हो। तो गाइस बहुत नीचे से झुक कर जाना पड़ रहा है अपने को, जैसे कि देख सकते हो आप, पूरा नीचे ही नीचे है, बहुत अंधेरा है। तो चलो देखते हैं। और तो गाइस देख सकते हो बम्बू का पेड़ कैसे दिख रहा है, और अपने को कितना झुकना पड़ रहा है, देख रहे हो रास्ता कैसा है, पूरा बैठ के जाना पड़ता है। तो हम लोग बैठ के भी जा रहे हैं देख सकते हो, लेकिन इधर पेड़ भी दिख नहीं रहा है अभी, एक भी करील नहीं दिख रहा है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इधर, देख सकते हो मैं इधर बांस का पेड़ है, इसको भी देख रहे हैं, लेकिन इधर एक भी नहीं है।
बताना था कि बम्बू का पेड़ अकरिल कैसे निकाला जाता है, तो मैंने बता लिया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बम्बू का करिल हमको मिला है। तो चलो बिना देरी के सबको इकट्ठा करते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, यहाँ से ले लिए हैं और इधर से नीच रहे हैं, इसको अच्छे से निकालना, मतलब छीला जाता है, देख सकते हो। हाँ, ऐसा छीला जाता है, इसका छिलका होता है जो, इसको छीला जाता है, जैसे कि देख सकते हो इधर, जैसे कि देख सकते हो ऐसे पूरी तरह से छिल चुके हैं और ये छिल रहा है, देख सकते हो, बैठ के मन तन दे के छिल रहा है इसको। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।